आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म नहीं, जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है जी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में मेरी जनरल टर्म क्या होती है, इसको कहीं उसमें हम nth टर्म भी कह देते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। तो इसका क्या मतलब है, देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, कल हमने पढ़ी थी। अब मेरी फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म इज ए, है ना। सेकेंड टर्म मेरी क्या होती है, ए प्लस डी ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस, तो ये मेरी सेकेंड टर्म हो जाती है। अब थर्ड टर्म मेरी क्या होगी, ए प्लस टू डी कर देते हैं, एक डी हमने इसमें और ऐड कर दिया, राइट, तो ये मेरी थर्ड टर्म हो जाती है। तो अब अगर आप पैटर्न देखो, जब मेरी थर्ड टर्म है तो थ्री में से एक कम कर रहा हूँ मैं टू, ऐसे ही जब मेरी सेकेंड टर्म है तो मैं एक डी कम कर रहा हूँ वन डी है, ठीक है। अगर मेरी फोर्थ टर्म है तो क्या बनेगी जी, फोर्थ टर्म है जो मेरी, ये क्या होगा a प्लस थ्री डी, तो ये क्या बन जाएगी, बात कर देता हूँ, तो ये मेरी a फोर हो जाएगी, ठीक है, फोर में से एक कम थ्री डी। तो अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म अगर मैं इसको ऐसे करता जाऊं, यानी मैं आपसे बोलूं कि ए एन मेरी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म मेरी होगी जी ए प्लस एक, इस n से एक कम करना है, n माइनस वन डी, ठीक है, आगे आपको समझ। तो यही मेरी जनरल टर्म है या nth टर्म है, तो क्या बन जाएगी जी मेरी जनरल या nth टर्म, इट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मेरी जनरल टर्म है, ठीक है। अब आप जनरल टर्म से, अभी तो हमने क्या किया, ए वन ए टू से जनरल टर्म पे गए, अब हम जनरल टर्म से ए वन ए टू अचीव कर सकते हैं, देखो बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं, कैसे। तो जब मेरे को अगर जनरल टर्म दी हुई है, तो अब देखो एन की जगह वन डालो तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, तो ए प्लस एन की जगह वन डालो, वन माइनस वन डी, ये जीरो हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, ए ही बच गया, तो ए वन ए आ गई। ए टू में हम क्या करेंगे, टू डालेंगे इस फॉर्मूले में ही, एन की जगह टू डाल देते हैं, टू माइनस वन डी, यानी कि ये वन डी हो गया टू माइनस वन, तो ए प्लस डी आ गई, देखो बिल्कुल वही आता जा रहा है। ऐसे ही आप कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए टेन निकालनी है सपोज, तो टेन पुट कर दो तो क्या आएगी, ए प्लस टेन माइनस वन डी, यानी कि ए प्लस नाइन डी, ठीक है। तो वैसे तो ये आसान सी चीज़ है, टेंथ टर्म पूछनी है एक डी कम करना है, ए प्लस नाइन डी, सेकेंड टर्म है ए प्लस वन डी, तो ये मेरा जनरल टर्म का कंसेप्ट है। एग्जाम्पल थ्री, फाइंड द टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म ढूंढनी है मुझे ऑफ द एपी, एपी दी गई है, तो टेंथ टर्म क्या होती है जी, टेंथ टर्म इज ए टेन, है ना। तो जनरल टर्म के फॉर्मूले में अगर मैं डालूंगा, पहले हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला लेते हैं, ए एन इज, बार बार लिखना, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, एन जो है ये सबस्क्रिप्ट है, नीचे है पैरों में। तो अब ए टेन निकालनी है तो एन की जगह टेन आएगा, ए टेन क्या हो जाएगा जी, ए प्लस नाइन डी हो जाएगा, तो बस यहाँ से वैल्यू ए क्या है मेरा, टू है, और डी कितना आ रहा है, सेवन माइनस टू फाइव आ जाएगा, तो टू प्लस नाइन डी इज फाइव, तो फोर्टी फाइव प्लस टू इज फोर्टी सेवन, तो सिंपली मेरा देखो आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल फोर, अब क्या है, विच टर्म ऑफ ए पी इज माइनस एट्टी वन, अब उसने पहले से ही टर्म दे दी, पहले थर्ड एग्जाम्पल में उसने टेंथ टर्म मांगी थी, क्या है, फोर्टी सेवन आई, अब उसने पहले से पूछ लिया कि माइनस एट्टी वन कौन सी टर्म है, विच टर्म, तो विच टर्म मतलब हमें एन निकालना अब इसमें, ठीक है। ए पी मुझे दे दी है, ए मेरा 21 है, और डी मेरा कितना है जी, डी मेरा 18 माइनस 21, गलती मत करना जल्दी जल्दी में, 18, देखो डिक्रीजिंग ए पी है, छोटी हो रही है, तो डी इज माइनस थ्री, डी इज माइनस थ्री, 18 माइनस 21, तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लिख के करना आप। तो इसमें क्या होगा, अब मेरा ए एन क्या है, ए एन इज माइनस 81, ओके, तो अब मेरे पास ए एन ऑलरेडी है मेरा, ये दिस इज माई ए एन माइनस 81, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या है मेरा,
फॉर्मूला देखो मेरा, ये रहा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अब ए एन की जगह क्या पुट करूंगा मैं, माइनस 81, तो माइनस 81, और ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 21, ठीक है। डी की जगह क्या पुट करेंगे, अब एन माइनस वन तो एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि एन तो निकालना है मुझे, विच टर्म, डी इज माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है, और यहाँ से मेरा नेक्स्ट स्टेप ट्रांसपोज करके ये आ रहा है। अब डिवाइड करके कितना आ रहा है, एन इज 35, एन कितना आ रहा है मेरा 35। तो 35th टर्म जो है वो मेरी माइनस 81 है, ठीक है जी। 35th टर्म इज माइनस 81, यानी कि ए 35 जो है दैट इज माइनस 81। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आता है कि आपको पहले बता दिया कि टर्म क्या है, कौन सी टर्म है ये निकालना है, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट भी है देखो इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्या है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब जीरो क्या है, ए एन को जीरो पुट कर देना है बस, कि कोई टर्म जीरो है कि नहीं है, ए एन को जीरो पुट कर देते हैं। अब ए एन को जीरो पुट करेंगे तो सेम इसी फॉर्मूले में ए एन को जीरो पुट कर देते हैं, तो माइनस 81 की जगह जीरो आ जाएगा बस, बाकी तो एज इट इज रहेगा ना राइट हैंड साइड, क्योंकि ए यही है प्लस एन माइनस वन डी यही है। तो यहाँ क्या आ गया जी जीरो, अच्छा 21 आप इधर ले आओ, तो माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। एन माइनस वन माइनस 3, अब मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 3 से, माइनस 21 कैंसिल आउट हो गया 7 से, ठीक है जी। अब माइनस वन इधर जाके ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 1 8, एन इज इक्वल टू 8, 8th टर्म मेरी क्या आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है। आप देखो इसको 3 माइनस करके, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स ही चल रहे हैं ये, है ना, तो 8th टर्म जो आ रही है वो जीरो आ रही है। तो अब मैंने दो टाइप के क्वेश्चन सीख लिए, पहली टाइप मैंने कौन सी सीखी कि मुझे सिंपली वैल्यू निकालनी है कि 10th टर्म क्या है, A10 क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या सीखा कि मुझे 10th टर्म दी हुई थी, मुझे टर्म पहले से दी हुई थी, मुझे बताना है कौन सी टर्म है, यानी एन निकालना है, ठीक है। जितने भी इस जनरल फॉर्मूला में वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले ए एन निकालने वाला क्वेश्चन था, फिर एन निकालने वाला क्वेश्चन था, राइट। अब देखते हैं वो क्या मांग रहा है। एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन द ए पी, अब मुझे ए पी ही बनानी है पूरी, हूज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो उसने क्या दिया हुआ है मुझे, A3 जो है वो 5 दी हुई है, A3 इज 5 एंड 7th टर्म यानी कि A7 जो है उसने मुझे 9 दी हुई है, ठीक है। तो उसने मुझे दो टर्म्स दी हैं, जब भी मुझे दो टर्म्स दिए हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे, मेरी लीनियर इक्वेशन टाइप का बन जाएगा। कैसे बनेगा, A3 क्या होता है जी, A3 इज A प्लस 2D। अब ना मुझे A पता है ना मुझे D पता है, लेकिन A3 5 है तो A प्लस 2D इज 5, ऐसे ही A7 9 है, ए प्लस 6D क्या है जी मेरी 9 हो गई। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई ना आपकी आराम से, तो अब ए और डी तो फटाफट निकल आएंगे, पूरा थर्ड चैप्टर हमने ऐसे ही करा है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे सॉल्व हो जाएगी, अब ए और ए कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये माइनस 4D आ रहा है और इधर माइनस 4 आ रहा है, 5 माइनस 9 माइनस 4, तो डी क्या आ गया, डी मेरा 1 आ गया। अब डी अगर मेरा 1 आ गया तो यहाँ से ए निकल आएगा, आप किसी में भी डाल के निकाल सकते हो, ए प्लस 2D में डाल के निकाल सकते हैं हम, तो ए प्लस 2 इंटू डी यानी 2 ही रहेगा इज इक्वल टू 5। ए कितना आ गया जी मेरा 3 आ गया यहाँ से, तो डी आ गया, ए आ गया। अब ए और डी पता है मुझे तो ए पी तो मेरी फटाफट निकल आएगी, फर्स्ट टर्म मेरी 3 होगी, फिर मैं डी ऐड करूँगा तो कितना है, डी 1 है, 4 5 6 7 8, 2-3 टर्म्स लिख देना काफ़ी होंगी। सो दिस इज़ माई ए पी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6 में देखो हमें क्या सिखाता है, कौन सी टाइप सिखाता है। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। अब देखो यहाँ उसने लिस्ट ऑफ नंबर वर्ड्स यूज किया, उसने एपी वर्ड यूज नहीं किया, तो आपको बताना है कि 301 क्या कोई टर्म है इसमें, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो पहले तो हमें डिसाइड बताना पड़ेगा कि एपी है कि नहीं है, तभी हम एपी का कुछ लगा पाएंगे। तो हम फटाफट डिफरेंसेस निकाल लेंगे, देखो 11 माइनस 6 5 6, 17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17 6, तो ए पी तो ये है। तो फर्स्ट टर्म मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ए पी तो ये है, तो पहले हम ए पी प्रूव कर देंगे। अब क्या होगा, क्या 301 टर्म है, तो ए एन 301 मान लेते हैं, जैसे हमने पीछे सीखा था
AN301 मान लेते हैं, एन मान लेते हैं क्या आएगा। तो जैसे ही मैं AN को 301 डालूंगा इस फॉर्मूले के अंदर, तो 301 A कितना है मेरा 5 है, फर्स्ट टर्म इज 5 ना, और D मेरा 6 है। तो मैंने इस फॉर्मूले में A को 5 डाल दिया और D को 6 डाल दिया। अब मेरा 301 को कैलकुलेट कर लिया, 6n-1 सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है जी, +1/6। अब देखो ये क्या आ रहा है, 151/3। अब 151/3 नहीं जाता, ठीक है, आपको कुछ पॉइंट्स में देगा, 3, 5, 15, 0, 10, 50.333 चलता रहेगा। ओके, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल में तो टर्म होती नहीं, A1 होगा उसका सेकंड टर्म होगी, हाफ टर्म तो नहीं होगी ना। तो इसका क्या मतलब है, जब भी आपका डेसिमल में आ जाए या होल नंबर नहीं हो वो, ठीक है ना, नेचुरल नंबर नहीं हो वो, नेचुरल नंबर चाहिए ना इसमें, मैं वन से चाहिए ना कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो अगर ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर या मेरा पॉजिटिव होल नंबर या मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, कहने का मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो अगर ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है या मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो मेरा एन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब 301 कोई टर्म नहीं है, क्योंकि मुझे तो पूरे नेचुरल नंबर वाली टर्म ही, या तो 50th होती या 51st, बीच में नहीं चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 301 will not be a part of this AP, इस AP का पार्ट नहीं होगी। अगली एग्जांपल, एग्जांपल 7, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि कितने टू डिजिट के नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो टू डिजिट के नंबर्स आपके कौन से हैं, टू डिजिट के नंबर्स आपके 10 से लेके 99 तक हैं। इसमें 3 के कौन से हैं, वो हैं मल्टीपल्स, ठीक है। तो पहला कौन सा स्टार्ट होगा, 12, 10 के बाद। फिर आपने क्या करना है, बस मल्टीपल 3 का टेबल ही लगाना है, ठीक है जी। तो 15 18, ऐसे लास्ट क्या होगा, 99 तो जा ही रहा है 3 से, है ना, तो 99 तो जाएगा ही जाएगा। तो ये मेरी लिस्ट ऑफ नंबर्स बन गई। क्या ये एपी है, बिल्कुल एपी है। जब भी मेरा मल्टीपल होगा, गैप देखो हमेशा कितना रह रहा है, 3 का रह रहा है ना, तो ये मेरी एपी है, बिल्कुल है मेरी एपी। तो मल्टीपल हमने एक चीज़ सीखी कि जब भी मेरा मल्टीपल होते हैं तो वो टेबल फॉर्म में होता है, जैसे 3 का टेबल हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, किसी की भी डिविजिबल हो, वो एपी होती है हमेशा। ओके, अब क्या करना है मुझे, हाउ मैनी कितने निकालने हैं, हाउ मैनी यानी एन निकालना है मुझे। तो देखो इसमें तो कुछ सब कुछ है मेरे पास, एपी पूरी और लास्ट टर्म भी है मेरे पास, तो लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, कौन से नंबर की है, वो उतनी टर्म्स हो जाएंगी मेरी। ए मेरे पास देखो 12 है, ठीक है जी, डी मेरे पास 3 हो गया, और ए एन मेरे पास 99 हो गया, बस एन तो फटाफट आ जाएगा। तो फॉर्मूले में डाल देते हैं, कौन से फॉर्मूले में डालेंगे, AN = A+N-1D में, N को 99 डाल दिया, A को 12 डाल दिया, D को 3 डाल दिया, चुपचाप सॉल्व करेंगे, N कितना आ गया जी, 30 आ गया। तो कितने 30 टर्म्स होगी ना मेरी, इसका मतलब कितने टू डिजिट नंबर्स हुए, 32 डिजिट नंबर हुए, देखो क्या बोलता है वो, सो देयर आर 32 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। जब टोटल N मेरा 30 आ गया, तो टोटल टर्म्स 30 हो गई, तो 32 डिजिट के नंबर्स हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट इज एग्जांपल 8, ये देखते हैं हमें क्या सिखाती है, फाइंड द 11th टर्म। A11 तो मुझे उसने फाइंड करने को सीधा बोल दिया, ठीक है जी, तो A11 तो मुझे फाइंड करनी है, अच्छा लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट, कहाँ से करनी है, अब इसने चेंज कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, स्टार है ये, वैसे तो सारा स्टार है इस एक्सरसाइज में, बट ये डिफरेंट है। लास्ट से 11th टर्म ढूंढनी है मुझे, अब A11 नहीं होगा, कट गया ये कंसेप्ट, क्योंकि फ्रॉम लास्ट ढूंढनी है, A11 तो स्टार्टिंग से होती है, ठीक है जी, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, मतलब उल्टा चलेंगे हम लास्ट से, ऑफ द एपी। अब इस एपी की आपको लास्ट टर्म से 11th टर्म ढूंढनी है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको जनरली आप उल्टा करने की कोशिश करोगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है, कि लास्ट से सेकंड टर्म कितनी है, लास्ट से थर्ड टर्म कितनी है। इसको हम बड़ा ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है, और सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो एपी को, ठीक है। अभी क्या है, अभी एपी में आप कहोगे कि ए मेरा 10 है और डी कितना मेरा 7-10-3 है, ठीक है ना, ओरिजिनल एपी में मेरा
10 है और डी -3 है। लेकिन जैसे ही मैं इस एपी को उल्टा करूँ, क्योंकि एपी को उल्टा करोगे तो भी तो एपी ही रहेगी, अब क्या कर रहे हो आप, -62 यहाँ कर लेते हैं, -62 मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ लास्ट टर्म। अब डी क्या होगा, डी चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल एपी में डी मेरा कितना था, इस एपी में डी मेरा -3 था। अब जब मैं चेंज करूँगा, जैसे 1 से अगर मैं 2 पे जा रहा हूँ, 2 से 3 पे जा रहा हूँ, तो डी मेरा 1 है, लेकिन अगर 3 से 2 पे आ रहा हूँ तो डी कितना हो जाएगा, 3 to 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा ना। इस केस में डी अगर 1 है तो इस केस में डी -1 हो जाएगा, मतलब डी उल्टा हो जाएगा। अभी डी -3 है तो इधर जाते जाते डी कितना हो जाएगा, डी मेरा +3 का हो जाएगा। तो अब कितनी हो जाएगी, +3 करो आप इसमें, -59 हो जाएगी अगली टर्म मेरी, फिर मेरी -56 हो जाएगी। लास्ट में देखो आप 4 पे आ जाओ, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, 4 के बाद 3 ऐड करोगे 7, 7 के बाद 3 ऐड करोगे 10, तो बिल्कुल ओके है जी, बिल्कुल ऑपोजिट एपी बन गई मेरी, बस कुछ नहीं खत्म होगी कहानी। अब ए क्या है, अब ए मेरा -62 है, डी मेरा +3 है। अब मुझे लास्ट टर्म से 11 निकालनी थी, अब स्ट्रेट ए 11 निकाल लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगी, ए +10D हो जाएगी, सिंपल सा, ए इज -62 +10 इंटू डी इज +3, कितना आ गया, -62 +30 यानी कि -32 मेरी जो है वह 11th टर्म से लास्ट टर्म जी है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9, ये देखो स्टेटमेंट क्वेश्चंस है, तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं, कैसे आएंगे ये देखते हैं। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, तो अब उसने इंटरेस्ट क्या कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट तो एपी होता ही नहीं, इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एपी बनाएगा ये हमें पता चलेगा, देखो पर ईयर कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, आपको हर साल के एंड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट एपी बनाते हैं, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, अगर बनाते हैं तो आपने 30 ईयर्स के एंड में कितना इंटरेस्ट बनेगा वो बताना आपको। इसमें बस आपको थोड़ा सा हिसाब क्या लगाना होता है, ये एट द एंड, ये थोड़ा सा आराम से लगा लो। अब फर्स्ट ईयर के एंड में बनेगा ना पहले साल का इंटरेस्ट, तो उसे हम A1 मान लेंगे, तो फिर 30th साल के एंड में जो बनेगा वो A30 अपने आप आ जाएगा, तो मतलब मुझे A30 निकालना है अगर AP बन गई तो। अब जब मुझे इतनी समझ आ जाती है कि मुझे A30 निकालना, अब मैं काम करता रहूँगा। अब देखो ₹1000 पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल के एंड में, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 है, नहीं भी आता, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है 8% ही तो निकालना है 1000 का, कितना आ रहा है 80 रुपीज़। PRT/100 में T को 1 डाल के एक साल के लिए 80 रुपीज़ आ गया। देखो हमारे कंसेप्ट शार्प होने चाहिए कि इंटरेस्ट कैसे निकलता है। अब इसके बाद ये है एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल खत्म होने के बाद ही तो मिलेगा इंटरेस्ट, तो ये मैं फर्स्ट टर्म आ गई मेरी, ठीक है जी, A1 टाइप का आ गया। फिर सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा, अब PRT में आपको पता है प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, तो उसने क्या करा, दो T को 2 डाला सीधा इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में डालने से क्या फ़ायदा होगा आपको, कि आप बस फॉर्मूला यूज़ करते चले जाओ, PRT को अब 2 डाल दो, दो साल का इंटरेस्ट 180 आएगा। अगर मैं इस मेथड से मैं करूँगा तो अब क्या होगा, अगले साल का इंटरेस्ट भी तो यही रहेगा, फिर से ₹1000 के ऊपर ही तो लगेगा, तो ₹80 ही तो लगेगा, तो हर साल ₹80 ही लगेगा, मुझे तो यही एपी दिख गई, डी भी 80 बन गया मेरा, तो आफ्टर द एंड एक ₹80 और मिल गया, तो 160 हो गया, 80 + 80 A2 आ गया, ठीक है। फिर PRT में आप आफ्टर थ्री एंड ऑफ 3 ईयर्स निकालोगे तो ये आ जाएगा जी 240, देखो 80 रुपीज़ इसमें ऐड करके आ रहा है, राइट। तो ये मेरी AP बन गई बिल्कुल, A मेरा 80 हो गया, A मेरा क्या हो गया जी 80 हो गया, और D मेरा क्या हो गया वो भी 80 हो गया, 80-80 का गैप है ना देखो हर में। अब AP तो ये 100% है क्योंकि दोनों में 80 आ रहा है। अब क्या करेंगे, A30 निकालनी है, तो A30 के लिए आप क्या निकालेंगे, बस चुपचाप A+29D निकाल देंगे आप, ठीक है, हो जाएगा बस खत्म, A इज 80, 29 इंटू 80 कर देंगे, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। कैलकुलेशन नीचे आंसरों के मैं कर नहीं रहा हूँ, जस्ट मैच कर देंगे सीधा। ये देखिए जी A30 निकाला हमने, A+29D कर दिया, 80+29D 2400, तो टोटल इंटरेस्ट 30 ईयर्स का कितना कलेक्ट हो गया उसके पास,
सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स विल बी 2400 या 2400। एग्जाम्पल 10 देखो क्या बोलती है, फिर से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड में देर आर 23 रोज प्लांट्स। कितने रोज प्लांट्स हैं? 23 रोज प्लांट्स हैं फर्स्ट रो के अंदर, 21 इन सेकेंड रो, 19 इन थर्ड रो। दो दो कम होते जा रहे हैं तो अपने आप एपी बन रही है, तो लिखते लिखते ही पता चल रहा है। देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितने हैं? 5 हैं। हाउ मैनी रोज आर देयर? हाउ मैनी रोज मतलब एन निकालना है मुझे। तो पहली रो में देखो कितने हैं, पहली रो में इसने लिखा ही हुआ, लिखने की जरूरत नहीं, 23 हैं। दूसरी रो में 21 है, तीसरी रो में 19 है और लास्ट रो में 5 है। ए पी तो मुझे दिख ही रही है क्योंकि -2 है डी यहाँ पे, ठीक है। ए 23 है, डी मेरा 21 -23 कर दिया, -2 आ गया, ठीक है। ए एन यानी मैंने 5 ले ली, कौन से नंबर की टर्म है ये, तो ए एन में फॉर्मूला डाल दिया मैंने। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाल दी मैंने, मेरा एन कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, ठीक है जी। एन मेरा 10 निकल के आ गया, सो देर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। तो आपको बस स्टेटमेंट के क्वेश्चन को देखना है कि मुझे क्या दिया हुआ है, ए पी बनानी है और जो चीज़ मांगी है वो निकल आएगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म। तो वही चीज़ें जो स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं इसने छेड़ा इसमें। ये कह रहा है जो भी फिल इन द ब्लैंक्स करने, जो भी खाली चीज़ है मुझे बस वो लिख के देनी है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट देखो, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आपको ए एन निकालना है। ए एन क्या होता है सिंपली, ए एन इज फॉर्मूले में सीधा लगा देते हैं, फॉर्मूला में यहाँ ए की बार लिखता हूँ, बार बार नहीं लिखते। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है जी। अब ए 7 दिया हुआ है, ठीक है, इसको एक काम करते हैं ऊपर ही ले चलते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो ए कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस वन, एन क्या दिया हुआ, 8 दिया है, 8 में से 1 माइनस कर दो 7 हो जाएगा, और डी कितना दिया है, 3 दिया है। तो 7 × 3 21 प्लस 7 इज 28। तो ये मेरा क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स मेरा 28 आ गया। तो ए एन मांगा था ना क्योंकि उसने। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में अब मेरे को डी निकालना है इसमें, तो डी निकालना है तो ए एन को पहले रख लेते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ कर रहे हैं। ए एन मेरा 0 है, इज इक्वल टू ए मेरा -18 है, एन मेरा 10 है, तो -1 करूँगा तो 9 आ जाएगा। डी मुझे निकालना है तो यहाँ से देखो 18 इधर चला जाएगा, 18 हो गया, इज इक्वल टू 9D। अब 9 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका मतलब डी कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। अब मुझे ए निकालना है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, तो सीधा पुट करते हैं। -5 मेरा ए एन दिया गया, ए मुझे निकालना है, एन क्या दिया, 18 दिया, -1 करूँगा 17 हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा जी मेरा, डी मुझे -3 दिया, तो -3, तो 17 × 3 51, -51 है ये, तो -51 ट्रांसपोज कर देते हैं, तो -5 + 51, ठीक है ना, दिस वन इज -51, उधर ट्रांसपोज करेंगे +51 हो जाएगा, तो 51 - 5 = 46, ए मेरा क्या आ गया, 46। ओके, नेक्स्ट इज कौन सा कलर बचा है जो हमने यूज नहीं किया, नेक्स्ट इज फोर्थ। अब इसमें क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है जी। तो ये इसने हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रैक्टिस करा दी, हर बार एक नया दे दिया। तो थ्री ए एन क्या है, 3.6 है, ए क्या है, -18.9 है, प्लस एन -1, एन क्या है जी, निकालना है मुझे, डी क्या है जी, डी मेरा 2.5 है। तो डेसिमल में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन ही है बस। अब क्या करेंगे, 3.6 में सबसे पहले ऐड कर देते हैं 18.9, इधर जाके ऐड हो जाएगा,
तो 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 प्लस 8 18 प्लस 4 कर दो, सीधा 22 आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये 2.5 इसे डिवाइड करने जाएगा इधर, तो 2.5 डिवाइड करने जाएगा तो सीधा सीधा किससे जा रहा है, ये 9 से जा रहा है, 25 × 9 225 होता है, तो ये 9 से चला जाएगा। अब 1 इधर ऐड होने जाएगा, ट्रांसपोज हो गया, तो n कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा जी मेरा। ठीक है, तो 10 इज माई आंसर। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, अब आपको ए एन निकालना। अब मैं कहूँगा यार होमवर्क करो, फर्स्ट पार्ट की तरह है बिल्कुल, ठीक है, अपने आप ट्राई कर लो। ठीक है, डी ज़ीरो है, कुछ नहीं है इसमें, तो ये तो आसान सही है। ए एन क्या हो जाएगा, ए एन वुड बी ए प्लस एन माइनस 1 105 104 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर मेरा 3.5 ही आ जाएगा। ए एन इज 3.5। अगला सेकेंड क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट चॉइस, तो एमसीक्यूज टाइप है, इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, जस्टिफाई करके देने आपको 30th टर्म ऑफ द एपी, तो ये तो सिंपल सही है, 30th टर्म है तो क्या करोगे, ए प्लस 29D लगा देंगे हम, तो ए 30 क्या होती है जी, ए प्लस 29D होती है, तो यहाँ पे ए कितना है, 10 है, इंटू 29D कितना है, 7 में से 10 माइनस कर दो, -3 है, तो -3 आ जाएगा, तो कितना हो गया ये, 3 × 9, इसी को कर रहा हूँ सिर्फ टर्म को, 3 × 9 27, 2 3 × 2 6 8, -87, तो -87 में आप 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -77, तो सी इज माय आंसर, 2 का फर्स्ट इज सी। ऐसे ही सेकंड पार्ट में 11th टर्म ऑफ द एपी, तो अब ये 11th टर्म इसमें निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मुझे डी चाहिए होगा, तो डी इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले डी निकाल लो इसमें, तो डी जब आप इसमें निकालोगे तो कुछ भी कर दो, 2 में से माइनस हाफ कर दो, ज़्यादा आसान है देखो, क्योंकि एपी तो दी हुई है ना, तो कोई भी कर सकते हो आप, तो 2 माइनस माइनस हाफ करोगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, तो अब ये डी आ गया, अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो ए 11 इज वॉट, ए प्लस 10D, ए तो मेरा -3 है और डी मेरा 5/2 आ गया, तो 5 से चला गया, तो 25 में से 3 गया 22, तो मेरा 22 जो है वो 11th टर्म है। क्लियर आपको। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स, तो मिसिंग टर्म्स ढूंढनी है आपने, तो मिसिंग टर्म के लिए आपको क्या चाहिए, अब एपी है, एपी दी हुई है, ठीक है, अगर मुझे ए और डी पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब पहले केस में तो ए मुझे पता ही पता है कि 2 है, डी क्या है मुझे वो नहीं पता, लेकिन मुझे 26 तो पता है ना, थर्ड टर्म तो पता है मुझे 26 है, तो थर्ड टर्म इज 26, तो 26 को मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए 3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D होता है। ठीक है, एन मेरा क्या आ गया, अच्छा इसमें एन इज 3, देख के ही पता चल रहा है कि एन मेरा 3 है, आप क्या कर सकते हो, अब ये पैरों में सबस्क्रिप्ट जो होता है वही एन होता है, ए 3 एन होता है, तो अब इसमें 26 ए 3 है मेरी, ए 2 है प्लस 2D, ठीक है, 2 क्या हो गया, 2 तो 2 रहेगा, D क्या हो गया, निकालना है मुझे क्योंकि D मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये 26 में से 2 माइनस कर दो, ये वाला 24 आ गया, इज इक्वल टू 2D, तो D मेरा 12 आ गया। ठीक है जी, D मेरा क्या आ गया, 12 आ गया, तो इसका मतलब 2 + 12 14 हो गया जी मेरा, ये 14 + 12 26, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट आंसर इज वेरी मच करेक्ट। अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, अब इसमें आपको क्या दिया हुआ, ए नहीं दिया, लेकिन आपको देखो दो चीज़ें मिली हुई हैं, टर्म्स आपकी 4 है, एन आपके पास 4 है, तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, अब इसको आप क्या करोगे, आपको ये ए 2 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दी हुई है, और आपको ए 4 भी पता है, 3 दी हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए प्लस 3D फोर्थ टर्म होगी ना ये, तो ये मेरे को 3 दी हुई है, और सेकेंड टर्म यानी कि ए प्लस डी मुझे 13 दी है,
तो बस अब एलिमिनेशन लगाना काम हो गया मेरा, ए और डी मेरे आ जाएंगे, मैं फटाफट कर लूँगा। ए कैंसल आउट हो गया, 3D-D 2D हो गया, ये -10 हो गया, डी मेरा -5 हो गया, डी मेरा -5 हो गया। अब आपको ए निकालना है, निकालो नहीं तो आपको पता है क्योंकि बॉक्सेस ही बढ़ने हैं, बहुत कुछ तो नहीं निकालना। तो डी मेरा -5 है, तो 13 में से -5 क्या करोगे आप अगले में ऐड करोगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 8 बच जाएगी, ठीक है। और पहले में से आप निकालना चाहो यहाँ से निकालो, नहीं तो आप इसमें 5 ऐड कर दो, तो ये 18 आ जाएगी। तो ये बॉक्स इतने आराम से भरा जाएगा। अब बाकी सारे पार्ट आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो थर्ड के अंदर भी क्या है, फर्स्ट टर्म ए तो दी हुई है मुझे, मुझे फोर्थ टर्म 9.5 पता है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में मुझे फोर्थ टर्म, ये मेरा ए फोर है ना, तो मैं सीधा क्या करूँगा, 5+3D इज इक्वल टू, क्योंकि ए मेरा 5 है, तो इसको सॉल्व कर लो, 9 × 2 = 18 + 1 = 19/2 है। तो बस अब सॉल्व ही करना है इसको, 3D इज इक्वल टू 19/2 -5 हो जाएगा। तो 3D इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 5 × 2 = 10, 9/2 हो गया, तो 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो डी मेरा 3/2 हो गया, तो डी मेरा 3/2 हो गया। अब आपको टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। ए टू क्या होगा, ए टू विड बी 5+D, क्योंकि ये देखो ये मेरा ए टू है और ये कॉलम मेरा ए थ्री है, ए टू मेरा कितना हो गया, 10+3 = 13/2, एक तो मेरा आ गया 13/2। अब क्या करेंगे, ए थ्री निकालनी है, आप या तो 13/2 में ही सीधा डी ऐड कर लो, नहीं तो यहाँ पे 5+2D कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है। तो 5+3 = 8, तो यहाँ मेरा आंसर क्या आ गया जी, 8। 13/2 को आप इसमें 6.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 9.5 लिखा ना उसने, तो आप यहाँ पे 6.5 भी लिख सकते हैं इसे। अब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है, मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप खुद करें, बिल्कुल सेम है देखो, अब ये दोनों आप खुद करेंगे। ये ए दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में आपको, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म ए 6 दिया है, तो इससे आपका डी आ जाएगा। आप फिर ए 2 निकाल सकते हैं, ए 3 निकाल सकते हैं, ए 4 निकाल सकते हैं, ए 5। ऐसे ही अगली में आपको क्या दिया हुआ है, ए 2 दिया है और आपको ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ए 5, ए 6 ही दी हुई है। तो एलिमिनेशन करेंगे जैसे ग्रीन वाला ऊपर करा, और ए और डी आ जाएगा, और बस यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ फिर ए 3 निकाल देना, यहाँ ए 4 और यहाँ ए 5। तो ये दोनों आप घर पे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है जी फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ ए पी दी हुई है 3, 8, 13, 18 इज 78, कौन सी टर्म जो है 78 है। तो 78 मेरी क्या होगी, ए एन हो गई, 3 क्या होगी मेरी, ए होगी, और डी कितना हो गया, डी इज 8 - 3 = 5 हो गया। तो बस अब हमने फॉर्मूले में लगाना है, फॉर्मूला क्या है मेरा ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो 78 इधर आ गया ए एन, ए मेरा 3 आ गया, अब एन मैंने निकालना है क्योंकि विच टर्म मांगा है ना उसने, तो एन माइनस वन एज इट इज छोड़ देते हैं, डी मेरा 5 है। तो अब 78 में से 3 माइनस कर देते हैं इधर ट्रांसपोज करके, तो कितना आ जाएगा जी, 75, ठीक है। अब क्या होगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन 5, अब ये 5 डिवाइड होगा इधर जाके, तो कितना रह जाएगा, 15 एन माइनस वन, अब ये 1 ऐड होगा इधर जाके, 16 इज इक्वल टू एन। तो मेरी कौन सी टर्म है जी, 16th टर्म है जो मेरी, दैट इज 78। तो आप एंड में एक इंग्लिश में लाइन जरूर लिख देना कि ए 16 या 16th टर्म इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो मतलब एन ही निकालना है मैंने। तो अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, देखो ए एन मुझे सीधा 205 दिया है, ए मेरा 7 है, एन माइनस वन, और डी कितना है, 13 - 7 = 6 है। अब 7 जैसे ही मैं इधर माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 198 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा, ठीक है जी,
एन माइनस वन ये बन जाएगा, तो 6 × 3 = 18, 18 और फिर एक बार हो जाएगा 3 = 18, प्लस वन करेंगे तो 34 हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा 34। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, 34 मेरी टर्म्स हैं इसके अंदर। ऐसे ही राइट वाला, अब ए एन इज माइनस 47, ए इज 18 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है जी, डी निकालना पड़ेगा हमें, तो डी निकाल लेते हैं हम, 15 × 2 = 30, 31/2 माइनस 18, 2 × 18 = 36, 31 में से 36 गया, माइनस 5/2, तो डी कितना है मेरा, -5/2। ठीक है, तो जस्टिफाइड है कि 18 से शुरू हो रहे हैं और -47 तक पहुंच रहे हैं, तो डिक्रीजिंग एपी है तो नेगेटिव तो हो गई, तो -5/2 डी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये इधर जाके क्या होगा, -18 होगा, तो -47 -65 बन जाएगा जब -18 होगा, इधर से एन माइनस वन 5/2। अब क्या होगा, अब 65 ये 2 इधर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा दूसरी साइड, और 5 जो है वो डिवाइड होने चला जाएगा, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, इधर एन माइनस वन रख, 5 से कितने जाएगा 13 से जाएगा, ये माइनस साइन मत भूल जाना, -13 × 2 - 26 = n-1। ठीक है जी, तो इसमें नेगेटिव, अच्छा सॉरी, मैंने -5/2 का नेगेटिव साइन छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे कैसे पता चला, देखो अगर मैं नेगेटिव साइन नहीं छोड़ता तो मेरी n जो है नेगेटिव आ रही थी, तो n तो नेगेटिव नहीं हो सकती, n तो सिर्फ क्या होती है, नेचुरल नंबर टाइप होती है या पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम कह सकते हैं। तो इससे मुझे पता चल गया कि एक गलती है मेरी, तो मैंने नेगेटिव साइन उठा लिया, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना आ गया जी, 26 + 1 मेरा 27 हो जाएगा n। नेक्स्ट इज चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी, चेक करना है -150 टर्म है एपी की नहीं, तो इसको ए एन डाल के देख लेते हैं, अगर n मेरा पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो -150 = a + n-1, डी कितना है जी, 8 - 11 - 3, तो -50 - 11 कर देते हैं इस साइड ट्रांसपोज करके, ठीक है, और डिवाइड बाय -3 कर देते हैं, या चलो सेकंड स्टेप में कर देंगे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, एक एक स्टेप से कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया -161, ठीक है, डिवाइडेड बाय -3 = n-1। ठीक है, अब यही कट गया, अब ये कटने तो वाला है नहीं, देखो माइनस ये 161 जो है ये हमारा नहीं कट रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, लेकिन प्लस वन ज़रूर करेंगे ताकि n अकेला रह जाए उधर। अब एलसीएम लेंगे तो 3 ऐड करेंगे तो 164/3, अब देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो 6 + 4 = 10, 10 + 1 = 11, 11 से हमारा डिजिट्स का 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, सिंस इट इज़ नॉट एन इंटीजर, तो आप क्या लिखेंगे, नो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ ए पी, वाई, बिकॉज एन इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने रीज़न दे दिया कि -150 जो है वो टर्म नहीं बिलोंग करेगी क्योंकि n जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहा है, फाइंड द 31st टर्म, a 31 ढूंढनी है जी मुझे ऑफ एन ए पी हुज 11th टर्म इज 38। ए पी उसने मुझे दे दिया ऑलरेडी, हुज 11th टर्म इज 38, यानी कि a 11 मेरी कितनी है जी 38, और 16th टर्म इज 73, तो 73 मेरी 16th टर्म है। अब इसमें क्या है, इसमें आसान सी चीज़ है, a 11 क्या होती है मेरी, a + 10d होती है, तो ये तो 38 आ गई, और यहाँ पे 16th टर्म क्या होती है, a + 15d होती है, ये 73 आ गई। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दो इक्वेशन हैं मेरे पास, तो यहीं लिख लेता हूँ मैं, a + 15d = 7, सब्ट्रैक्ट a से कैंसिल, 10 - 15 = -5d,
इज इक्वल टू 73 में से 38 माइनस कर देते हैं, नेगेटिव तो आएगा ही आंसर। 13 इंटू 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गया 3, तो डी मेरा कितना आ गया जी 7 आ गया। ए मेरा कितना आ जाएगा, डी अगर मेरा 7 आ गया, ए मेरा आ जाएगा, मैं ए प्लस 10 डी में अगर डाल दूँ तो 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 30, तो ये 70 हमको माइनस करना, तो 38 माइनस 70, ठीक है जी। तो ये कितना बना, 70 में से 40 गया 30, 32 बन जाएगा, ये माइनस का 32, ए मेरी क्या आ गई माइनस 32। तो ए 31 जो हमने निकालना है वो क्या बनेगा, ए प्लस 30 डी, ए इज व्हाट माइनस 32 और 30 डी कितना है जी मेरा 7, तो ये कितना आ गया माइनस 32 प्लस 210। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 में से 2 गया 8 और ये 20 बच गया, 20 में से 3 गया 70, तो माइनस 178 ओ सॉरी प्लस 178, बड़े का साइन लगेगा, तो प्लस ये 178 जो है ये मेरी 31st टर्म है, दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है जी, तो 50 टर्म्स है तो एन की वैल्यू तो मेरी उसने 50 दे दी, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म क्या है जी मेरी 12 है, ए थ्री मेरी क्या है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट में क्या है, एन 50 है ना टोटल, तो इसका मतलब ए 50 मेरी क्या हो गई 106 हो गई। फाइंड द 29th टर्म, ढूंढना क्या है जी मुझे ए 29। आप देखो दो चीजें मेरे पास हैं, ए और डी निकल आएगा, बड़े आराम से ढूंढ लेंगे हम। ए थ्री को हम क्या बोलते हैं, आपने ए 50 पहले लिखना, आप ए 50 पहले लिख लो, ए प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106। ए थ्री से यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 डी थर्ड टर्म को लिखेंगे इज इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट, टाइप वही है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, 49 माइनस 2 इज 47 और 106 में से 12 गया, 6 में से 2 गया जी 4, 10 में से 1 गया 9, अब 47 का डबल है 94, तो 2 आ गया मेरा, तो डी आ गया मेरा, डी से मेरा ए आ जाएगा, नीचे वाले में डालेंगे आसान है, ए प्लस 2 इंटू डी, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, ए प्लस 2 इंटू डी, डी को मैं क्या डाल सकता हूँ 2, ये डी को 2 ही डाल लेते हैं, इज इक्वल टू 12, तो 4 माइनस हो जाएगा, तो ए मेरा क्या आ गया 8, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ए 29 निकालना है, ए 29 क्या है जी, ए प्लस 28 डी, तो ए इज 8, 28 इंटू वॉट 8, डी इज 2, 8 प्लस 56 हो जाएगा 28, तो ये कितना आ जाएगा 64, ए 29 मेरा कितना निकल के आ गया 64। नेक्स्ट इज इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ ए पी आर, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 4 एंड माइनस 8, इस दो टर्म्स मुझे मिल गई, बचाई कुछ नहीं, ए 3 ये है, ए 9 ये है जी, ए और डी तो ऐसे ही आ जाएगा मेरे पास, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0, कौन सी टर्म ऑफ 0 है, तो कौन सी टर्म 0, पहले ए और डी निकाल लेते हैं, ए पी आ जाएगी उसमें से देख लेंगे कौन सी टर्म 0 है, तो ए 9 क्या है मेरा पास, ए 9 इज ए प्लस 8 डी इज इक्वल टू कितना है जी माइनस 8, और ए 3 क्या है, ए 3 इज ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 4, माइनस 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 कैंसल आउट, 8 माइनस 2 60, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12, डी माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ए निकाल लो, सेकंड वाली से निकाल लेते हैं, इससे ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 4, तो माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4 उधर जाके
प्लस फोर हो जाएगा, एट आ गया जी। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हमने ढूंढना है कि विच टर्म इज जीरो। ए एन जीरो मान लेते हैं, ए एन जीरो मान लेंगे तो जीरो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए कितना है, एट प्लस एन माइनस वन डी माइनस टू। क्यों लगाया हमने ये, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कौन सी टर्म जीरो आएगी। अगर एन मेरा पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो वो जीरो होगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं होगी वो वाली टर्म। तो वो वाला कंसेप्ट लगा लिया हमने। अब एट इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस एट हो जाएगा, एन माइनस वन माइनस टू। अब माइनस टू से डिवाइड कर देते हैं उधर जाके तो कितना हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, क्योंकि माइनस एट डिवाइडेड बाय माइनस टू इज प्लस फोर। कितना हो गया, एन माइनस वन। एन प्लस वन कितना हो गया जी उधर जाके, फाइव। तो फिफ्थ टर्म जो है दैट इज जीरो, ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, माई फिफ्थ टर्म इज जीरो, दिस इज माई आंसर। अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है वो, टेंथ क्वेश्चन, द सेवनटीन्थ टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स टेंथ टर्म बाय सेवन। तो सेवनटीन्थ टर्म जो है एक ए पी की, वो टेंथ टर्म से कितनी बड़ी है, एक्सीड करना मतलब बड़ा होना, कितनी बड़ी है, सात से बड़ी है। तो ख़त्म, बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं, तो बड़ी माइनस छोटी टर्म इज इक्वल टू सेवन। अब है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो लेट अस सी क्या होता है, देखो जब भी देखो दो टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अभी हम ऊपर से देखते ही आ रहे हैं। तो आप इसको डालो, ए प्लस सिक्सटीन डी माइनस इसको डालो ए टेन को, ए प्लस नाइन डी। आप जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे, ए प्लस सिक्सटीन इधर से नेगेटिव साइन चेंज होने शुरू हो जाएंगे, माइनस ए माइनस नाइन डी। अब आपका ए ए कैंसिल आउट हो गया तो 16 माइनस नाइन इज कितना हो गया, 7 डी। डी कितना आ गया जी मेरा, 1, उसने हमसे कॉमन डिफरेंस मांगा था। देखो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो कौन सी टर्म, ये ए 54 टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म जो है वो 132 ज़्यादा है। तो विच टर्म, कौन सी टर्म, ठीक है, तो एन निकालना है हमने, ठीक है ना। तो ए एन टाइप मान लेते हैं कि अगर ए एन हम टेन टर्म को मान लेते हैं, एन एथ टर्म है तो ए एन मेरी टर्म हो जाएगी। तो ए एन जो है, विच टर्म विल बी 132 मोर, ए एन जो है 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से। विच टर्म इज विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ए 54 में अगर मैं 132 ऐड कर दूंगा, क्योंकि ए एन ज़्यादा है ना, तो 132 कम वाली में ए 54 में ऐड कर दो आप, तो ए एन मेरी क्या हो जाएगी, बेसिकली ए 54 में 132 ऐड कर दो। आप इसको ए एन माइनस ए 54 भी कर सकते हो, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 132, वो भी अलाउड है, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम इसे, एक ही मतलब है ना, कि मैं इसे ए एन बड़ी माइनस छोटी इज इक्वल टू 132 इस टाइप का भी कर सकता हूँ। ओके, देखते हैं कहाँ पे चलता है अभी हमारा, हम फर्स्ट वाले से ही कर रहे हैं कोशिश। देखो ए 54 तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसे, क्योंकि ए भी है मेरे पास 3a है, और d कितना है मेरे पास, 15 माइनस 3 12 मेरे पास d है, ठीक है। अब मेरे पास a 54 तो बड़े आराम से आ जाएगा, तो a 54 आ गया तो a n आ गया, ख़त्म बात। a n क्या है आपके पास, कितना आ गया जी, a 54 यानी कि 3 प्लस 53d प्लस 132। अब कितना हो गया, 3 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 5 60, 636 प्लस 132 सारा ऐड करते हैं, 2 प्लस 6 आपका कितना बन गया, 8, 8 प्लस 3 11, 1, 3 4, 4 प्लस 3 7 और 6 प्लस 1 7, एन मेरी 771 बन गई, ठीक है।
लेकिन हमने क्या निकालना, हमने तो एन निकालना है। अब क्या करते हैं, अब ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। और ए एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए एन का फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस वन डी। डी क्या है मेरे पास, 12 इज इक्वल टू 771। अब 3 माइनस कर देते हैं इसमें से तो कितना हो जाएगा ये 768। अब 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 12 इंटू 672 48 4। और एन कितना आ गया जी, प्लस 1 करेंगे तो 65। ठीक है, तो जो मेरी 65th टर्म है, दैट इज जो उसने बोला है कि 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। ठीक है जी, सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। टू APs बोल रहा, वो दो AP हैं, उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। ठीक है जी, तो दो AP हैं, उनकी जो 100th टर्म है उनका जो डिफरेंस है, उनके बीच में 100 ही है वो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो 1000 टर्म्स के बीच में आपने डिफरेंस निकालना है। तो अगर दो AP हैं मेरे पास, तो एक काम करते हैं, उसने सिर्फ कॉमन डी सेम लेने को बोला है। ठीक है, तो मेरे पास टू APs हैं, तो फर्स्ट AP ये मान लेते हैं और सेकेंड AP इधर मान लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं कैपिटल, ठीक है, या A, आप A1 A2 भी कर सकते हो। ठीक है, आप कैपिटल A मान लेते हैं, D सेम रहेगा क्योंकि उसने क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा मेरा। अब उसने बोला है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो 100th टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, A 100 माइनस A 100, यही डिफरेंस हुआ ना दोनों की 100th टर्म में, कितना हो गया जी ये, दैट इज 100। तो इसके बाद क्या करेंगे जी, इसको खोल लेते हैं। जब आप खोलेंगे इसे, तो आप देखो यहां से क्या आएगा, a प्लस 99d आएगा माइनस a प्लस 99d। d सेम है, d दोनों में छोटा ही रहेगा। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब इसमें ए नहीं कैंसिल आउट हो सकता, लेकिन 99d कैंसिल आउट हो जाएगा, आप ध्यान दो। तो 99d मेरा नेगेटिव साइन खुलने से साइन चेंज हो गए, कैंसिल आउट हो गया, तो ए माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई जी मेरे पास, 100 आ गई। अब इसको देखो, हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मांगा क्या उसने, उसने मांगा है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। तो आप जब 1000th टर्म का डिफरेंस लेंगे, तो a 1000 माइनस कैपिटल a 1000 हो जाएगा। अब इसमें भी देखो, d तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये a प्लस 999d है माइनस a प्लस 999d। a कैपिटल लेंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि a तो बड़ा है, इसको रब करके लिख देता हूँ मैं, ए हमारा कैपिटल आएगा इधर, इसी की गेम है सारी, ए मेरा क्या आएगा, कैपिटल है। अब क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव साइन से ब्रैकेट खोलूँगा, तो ये तो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जितना मर्जी आपके पास कोई भी टर्म हो, ठीक है, अगर डी सेम है तो कैंसिल आउट होगी। आपका a माइनस ए ही आ गया ना इसका आंसर भी, तो a माइनस ए की वैल्यू क्या है, वो तो 100 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर भी कितना हो गया जी, 100। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमने एक एग्जांपल करी थी ऐसी, तो 3-डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट, है ना, तो मेरे 10 यहीं पे कर लेते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं जी, 999 तक जाते हैं 3-डिजिट नंबर्स, बट सारे तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है, दैट इज 105। 15 × 7 = 105 होता है, बस अब 7 का टेबल ही लगाना हमने। अगला क्या हो जाएगा मेरा, 112, उससे अगला 119 टिल लास्ट नंबर, ध्यान देख लो,
सेवन 999 से 7 को डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही मैं 999 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर बचेगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस, ठीक है। 7 × 1 = 7 = 29, 7 × 4 = 28, 19, 7 × 2 = 14, तो 5 रिमाइंडर बच गया ना, तो 5 कम कर दो इस 999 में से, तो कितना आ गया, 994 हो गया, तो 994 मेरा एग्जैक्टली जाता है, ठीक है जी। तो ये मेरा 3 डिजिट का लास्ट नंबर निकल गया। अब हाउ मैनी है तो एन निकालना बस मैंने, अब तो सब कुछ आ गया मेरे पास। ए मेरे को पता है कि 105 है, डी मुझे पता है कि 7 है, 112 माइनस, क्योंकि 7 ही ऐड हो रहा सब में, और ए एन कितना है मेरा, लास्ट टर्म इज 994, और इससे निकाल देते हैं बस। तो 994 ए एन के फॉर्मूले में ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन तो मुझे निकालना है। अब इसमें 994 माइनस 105 ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी, 14 में से 5 गया 9, और 8 बचेगा, 8 में से 0 गया 9, में से 1 गया 8, इज इक्वल टू एन माइनस 1 7। अब 7 से डिवाइड कर देते हैं सर, तो 7 × 1 = 7, 7 × 18 बच गया, 7 × 2 = 14, 49, 7 × 7 = 49, एन माइनस 1, अब ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 128 इज इक्वल टू एन। तो कितनी मेरी 3 डिजिट नंबर्स हैं दैट आर डिविजिबल बाय 7, दैट इज 128 नंबर्स जो है मेरे दैट आर डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये भी वही क्वेश्चन है, मल्टीपल्स और 4 का भी तो वही मतलब है, तो सेम क्वेश्चन है। अब 10 के बाद कौन सा सीधा जाता है, सीधा कर लेते हैं, 10 के बाद 12 जाता है, 12 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 12 फिर उसके बाद 16 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, और लास्ट क्या आएगा, 250 को 4 से डिवाइड करके देख लो, तो 250 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 6 = 24, 24 = 10, 4 × 2 = 8, तो 2 रिमाइंडर बच गया, 2 कम कर देते हैं, यानी कि 248 मेरा लास्ट इससे जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ आ गया मेरे पास, ए मेरे पास 12 आ गया, डी मेरे पास 4 आ गया, और ए एन मेरे पास 248 आ गया, तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 डी इज 4, 12 को माइनस करो 236, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 4, 4 से डिवाइड करो, 4 × 5 = 20, 36 = 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 ऐड कर देंगे तो एन इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो कितने मल्टीपल्स हैं आपके, आपके पास 60 मल्टीपल्स बन रहे हैं जो इसके बीच में पड़ रहे हैं। देखो आप इसे एक स्मार्टर तरीके से चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हो आप इसे, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ कि देखो मेरे पास कितने वो हैं, मेरे को 4 के मल्टीपल्स चाहिए ना, मेरे को 4 के मल्टीपल्स चाहिए, वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, आएगा नहीं, जस्ट आपको कि आंसर आपका ठीक है कि नहीं कैसे पता कर सकते हैं, 4 के कितने मल्टीपल्स हैं आप 250 पे पहुंचोगे, खुद सोचो। देखो 4 × 1 = 4 होता है, 4 × 2 = 8 होता है, ऐसे 60 × 4 = 240 होता है, तो 240 के बाद 2 और 62 मल्टीपल्स आएंगे, आप देख सकते हो, डिवाइड करके देख लो चाहे, तो 248 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने मल्टीपल्स चाहिए, 62 मल्टीपल्स चाहिए, लेकिन मुझे 10 के आगे का लेना है ना, तो मुझे 4 और 8 को निकाल देना है ना, तो 4 और 8 को निकाल दो, 2 मल्टीपल निकाल दो, तो आंसर क्या आएगा, 60। तो ये हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्या बोल रहा है जी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 60, एक एपी ये है और दूसरी एपी ये दी हुई है इक्वल, तो एन की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल होगी, राइट। हम क्या करते हैं, दोनों की nth टर्म निकाल लेते हैं पहले। अब इस एपी की जब मैं nth टर्म निकालूंगा तो वो क्या होने वाली है, ए 63 है प्लस एन माइनस 1 डी कितना है, 65 माइनस 63 2 है जी, तो ये कितनी है कि nth टर्म इज 63 प्लस
टू एन माइनस टू है ना, यानी कि 61 प्लस 2 है। तो ये मेरी फर्स्ट एपी की nth टर्म आ गई। अब सेकेंड एपी ये, इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, तो ये कितनी आएगी, a इज 3 एन माइनस 1 डी इज 10 माइनस 3 7। तो ये कितना आ गया जी, 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो यानी कि 7 एन माइनस 4 ये आ गया है। अब कंडीशन क्या है कि ये एन टर्म्स जो है इक्वल है, किस एन के लिए ये इक्वल है, बस यही हमने करना है। तो दोनों को इक्वल डाल देते हैं, तो 61 प्लस सॉरी 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। अब 61 ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो 65 हो जाएगा, और इसको इधर भेज देते हैं 2n को तो 5n आ जाएगा, राइट। अब n से डिवाइड करना है तो n इज इक्वल टू 65 ओवर 5 दैट इज 30। तो दिस इज माय आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी, अब एपी निकालनी है हमें, हुज थर्ड टर्म इज 16, ए थ्री जो है 16 दिया हुआ, एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, ठीक है, सेवन्थ टर्म बड़ी है, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, तो बड़ा माइनस छोटा इज 12, ये लगा दिया, दो चीज़ है हमारे पास, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्या चीज़ निकल आएगी, पहली तो ए थ्री से निकल आएगी, एंड ए थ्री से क्या निकल के आएगा कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ये मेरे पास एक निकल के आ गई इक्वेशन। दूसरी को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या निकल के आएगी कि a7 सेवन इज ए प्लस 6d माइनस a5 फाइव इज ए प्लस 4d इज इक्वल टू 12, तो क्या हो गया a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। ए कैंसल आउट, 6d माइनस 4d इज 2d, ठीक है जी, इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 6। अब d 6 आ गया, अब मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो 12 माइनस कर दो तो a कितना आ गया जी 4। अब मेरे पास a आ गया और मेरे पास d आ गया, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एपी मेरी फटाफट बन जाएगी, और एपी क्या बनेगी, पहली इज 4, सेकंड 6 ऐड कर दो 10, फिर 6 ऐड कर दो आपका 16, फिर 6 ऐड कर दो 22 एंड दिस, सो दिस इज माय एपी। आपको पेपर में कैसे करना है, आपको पेपर में डायरेक्ट आप लिखना चाहो लिख सकते हो, किसी को नंबर एक भी आधा नहीं छोड़ना, A1 A प्लस 2D A प्लस 3D इस टाइप से भी कर सकते हो, वैसे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, क्या बोल रहा है जी, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये ऑफ द एपी दिस। तो हमने क्या किया था, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एपी को क्या कर ले, उल्टा कर देंगे और 20th टर्म फ्रॉम लास्ट निकाल देंगे। एपी को जब उल्टा करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें जो डी है मेरा वो 8 माइनस 3 5 है, तो d को हम चेंज कर देंगे और d क्या बन जाएगा जब हम लास्ट से निकालेंगे, माइनस 5, ठीक है जी। तो ap रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, 253 पहली आ जाएगी, अब माइनस 5 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि d को अब मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस 5, तो माइनस 5 इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा 248, फिर उससे अगली क्या हो जाएगी जी 243, ऐसे ही आगे लास्ट में जब 13 आ जाएगा आप क्या करोगे, माइनस 5 करोगे इसमें ऐड तो 8, फिर माइनस 5 करेंगे 3, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिवर्स कर ली मैंने एपी, अब मुझे A20 निकालना है। अब मेरा सिंपल सा A प्लस 19D निकालना है मुझे, और A क्या आप रिवर्स एपी का 253 प्लस 19D इज माइनस 5, तो 253 माइनस 19 इंटू 5 95, तो ये कितना हो गया 153, 153 में 5 ऐड कर दो, यानी कि 158 मेरी जो है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन 18th, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, तो सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, एंड अगली क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स,
a6 प्लस 8 है इज 44। तो दो इक्वेशंस आ गई है मेरे पास, बस a और d आया। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ap, तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स ap की फटाफट आ जाएंगी, क्योंकि एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी। सिक्स टर्म इज a प्लस 5d प्लस टेंथ टर्म इज a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, यानी कि 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब 2 कॉमन, 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, 7d इज इक्वल टू 22। एक इक्वेशन तो ये आ गई। लेफ्ट में फोर्थ टर्म इज a प्लस 3d प्लस एट्थ टर्म इज a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2 से थ्रू आउट डिवाइड, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इधर ले आता हूँ, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसल आउट, तो 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो कहीं पे भी डाल के a निकाल लेते हैं, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। ए कितना हो गया जी, माइनस 13। ए पी क्या बन गई मेरी, फर्स्ट थ्री टर्म्स बतानी है आपको, तो माइनस 13, डी ऐड करेंगे माइनस 8 एंड माइनस 3। ए पी की मेरी जो तीन टर्म्स हैं दैट इज माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5000। ठीक है जी, 1995 में उसकी एनुअल सैलरी जो थी वो 5000 रुपीज थी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, और उसको 200 रुपीज का इंक्रीमेंट ईच ईयर मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो 7000 उसकी किस ईयर में इनकम होगी। 1995 में तो 5000 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर 1995 में उसकी इनकम जो है हम उसको लिख सकते हैं, इनकम 1995 कितनी है जी, रुपीज 5000। अब इनकम जो है 1996 में कितनी हो जाएगी, 200 ईच ईयर ऐड करना है, तो 200 काइंड ऑफ मेरा डी हो गया, क्योंकि हर साल मैंने 200 ऐड करना है, तो ये 5000 200 हो जाएगी जी, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि प्लस 200 हो रहा है ना, तो डी मेरा जो है वो प्लस 200 आ गया, ए मेरा जो है वो 500 बन गया। अब 1997 में एक और लिखना चाहो आप, तो शो करने के लिए ये 5400 हो जाएगा। ठीक है, अब दिस फॉर्म्स एन एपी, अब ये क्या हो गया, दिस फॉर्म्स एपी। अब एपी वाले सारे रूल लग जाएंगे इसमें, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने निकालना है इन विच ईयर डिड इज इनकम रीच इज 7000। तो हम एक ले लेते हैं कि लेट इन एनथ ईयर, लेट इनकम इन एनथ ईयर जो है वो 7000 रुपीज है, तो यानी ये ए एन हो गया, तो बस अब इसको डाल देते हैं, तो क्या होगा, ए एन का इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d है जी। एनथ ईयर हमारी 7000 हमने देखनी है, पहुंचानी है उसकी इनकम, ए इज 5000 पहले साल में जितनी थी उसकी, एन माइनस 1d इज 200 रुपीज, तो कितना हो गया ये, सब्ट्रैक्ट कर दो इधर, 2000 रह गया, एन माइनस 1 200, 200 से डिवाइड कर दो तो कितना रह गया, 200 से 10 रह गया, एन माइनस 1 माइनस 1 ऐड कर दो, 11, 11th ईयर में उसकी जो है वो है इनकम जो है कितनी हो जाएगी उसकी, इतनी हो जाएगी, इन विच ईयर, 11th ईयर। ठीक है जी, तो 11th ईयर में 1995 के बाद उसकी इनकम जो है वो 7000 रुपीस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड रुपीस 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, तो रुपीस 5 उसने फर्स्ट वीक
ऑफ ए ईयर में सेव कर दिए, पहले हफ्ते में, एक साल में उसने 5 रुपीज सेव कर लिए, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय रुपीज 1.75। अब हर हफ्ते वो सेविंग्स को इंक्रीज कर रही है 1.75 से, ठीक है। इफ द nth वीक, इफ इन द nth वीक, nth वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, तो टोटल जो सेविंग्स है वो इतनी बन जाती है nth वीक में, तो आपको n फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम इसे कह सकते हैं सेविंग्स फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग्स हो गई है, रुपीज 5 की सेव है पहले हफ्ते में। अब सेविंग सेकेंड वीक में कितनी है, देखो 1.75 इंक्रीज कर रही है ना वो, तो कितना हो जाएगा 6.75, क्योंकि प्लस 1.75 उसने हर हफ्ते इंक्रीमेंट करना है। तो सेविंग्स थर्ड वीक में कितनी हो जाएंगी, तो 1.75 फिर हम करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 75 75 75 150 हो जाएगा, वन कैरी चला जाएगा तो एट, ये हो जाएगा 8.50, ठीक है ना। तो इसमें भी 1.75 ऐड हो रहा है, देखो, क्योंकि 1.75 ही इंक्रीमेंट हो रहा है पिछली वाली सेविंग्स में से हर बार, तो जब 1.75 इंक्रीज हो रहा है तो एपी तो वो बन ही जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें कब निकालना है सेविंग्स, इसे डॉट लगा देते हैं कि अनलिमिटेड जा रहा है, एनएथ तक जा रहा है, अनलिमिटेड नहीं एनएथ तक जा रहा है। अब सेविंग कितनी चाहिए 20.75, तो हमने बस एन निकालना है कौन से वीक में होगा, तो एपी तो बन गई, इट्स एन एपी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फटाफट फॉर्मूला डाल सकते हैं एन का, तो मुझे कितने चाहिए, एन क्या हो गया, एन इज 20.75, दिस इज माय एन, ए इज रुपीज 5 पहले हफ्ते की सेविंग एंड डी इज 1.75, तो 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 1.75, ठीक है जी। अब 5 यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 1.75। अब 1.75 को इधर डिवाइड करने भेज देते हैं, 15.75 अपॉन 1.75, ये पॉइंट पॉइंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 15 से इसे अभी n माइनस 1 कर लेते हैं, 15 से इसे कैंसिल आउट करते हैं, तो 15 से अगर करूँगा वैसे तो 175 से डायरेक्ट आई डोंट नो जाता है, चल 15 से कोशिश कर लेते हैं, 15 1 15, ठीक है जी, 7 जाता नहीं 0, 75 5, इधर 15 1 15 25, 15 से नहीं जा रहा नीचे वाला, तो 15 से तो नहीं जाएगा, तो इसको हमें बैक करना पड़ेगा, 25 से देखो 7 से 175 जाता है, तो 25 से ट्राई कर लेता हूँ मैं, 25 into 6 150 75 25 into 3 25 से जा रहा है, 25 into 7 और 7 से ये 9 से जा रहा है, ठीक है जी। तो अब ये n माइनस 1 का 1 उधर ऐड होगा, n मेरा 10 आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या था, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स इज फाइंड n, तो कौन सा वीक होगा, 10th वीक में उसकी जो सेविंग्स है, 10th वीक में उसकी सेविंग्स जो है दैट विल बिकम 20.75।